वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज्ड IIM बैंगलोर फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट की, एंड दैट इज ऑफ 2021 बैच। तो अगर आप प्लेसमेंट के स्टेट्स देखें, दैट इज एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, अगर आप देखें तो कोविड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है प्लेसमेंट पे। एंड ABC पे अगर मैं तीनों टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, दैट इज अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कलकत्ता, कोई भी इफेक्ट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोविड की वजह से या क्लासेस ऑनलाइन होने की वजह से या इवन प्लेसमेंट भी वर्चुअली कंडक्ट कराया गया है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ AMU से, मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 93rd percentile था। इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी कैट फॉर MBA एंड अकेडमी कैट सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहा करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कैट या किसी अदर मैनेजमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। आप इसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ये आपको बिल्कुल फ्री में हर संडे को 12 PM को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, और इसमें आपको इनरोल करने के लिए कोड यूज़ करना होगा, दैट इज़ PCQuant। इस टेस्ट में आपकी जो भी रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग आपको 100%, दैट इज़ 1 ईयर का कैट सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल सकता है, या फिर आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिल सकती है, दैट इज 75% एंड 50%। अगर अब मैं बात करूं कि आपका जो IIM बैंगलोर का बैच था, IIM बैंगलोर का बैच जो था उसकी प्रोफाइल क्या थी ना, प्रोफाइल की बात करते हैं, तो देखो हमेशा मेजॉरिटी इंजीनियरिंग की रहती है, दैट इज़ आपका 80+ जो थे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करूं, दैट इज़ नियरली 10%। अगर साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूं, दैट इज़ नियरली 3%, एंड अदर्स वाले नियरली 5%। अगर मैं एज की बात करूं तो लेस देन 21 ईयर्स भी थे लोग, दैट इज़ 9-10%। इसके अलावा 22-24, दैट इज़ सबसे जो मोस्टली जो आपके एस्पायरेंट रहते हैं ना वो इसी एज ग्रुप के रहते हैं, दैट इज़ 22-24। ये आपके 55.5%, एंड मोर देन 25 एज होते हैं वो 36% है। अगर मैं यहाँ पे इनके जेंडर की बात करूँ तो क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को अलग से हो जाती है, फिर भी फीमेल कैंडिडेट कम है, दैट इज़ नियर टू 40% फीमेल कैंडिडेट है, और मेल परसेंट नियरली 60%। अगर मैं वर्क एक्स की बात करूँ तो नो वर्क एक्स वाले 17%, लेस देन 12 एक्स वाले 5%, 12-21 दैट इज 9-10, एंड 22-34 जो कि मोस्ट प्रीफर्ड है IIM बैंगलोर में, उसके 40% थे। अगर ग्रेटर देन 35 की करूं उसके 28%। देन अगेन मैं बैच प्रोफाइल में बात करूं कि प्रीवियस वर्क एक्स उनका किस प्रोफाइल में था उसके हिसाब से यहां पे एक दिया हुआ है परसेंटेज वाइज। इसके अलावा जो समर इंटर्नशिप लगती है ये यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि समर इंटर्नशिप उन्होंने किस एरियाज में की थी। तो आप देख सकते हो मोस्टली जो आपकी दिख रही है ना, मोस्टली मुझे दिख रही है फाइनेंस की 16% दिख रही है, दिस इज फाइनेंस एंड दिस इज सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मोस्ट जो है सेल्स एंड मार्केटिंग, और आपको पता होगा IIM बैंगलोर जो है ना वो कंसल्टिंग हब कहा जाता है। तो देखो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कंसल्टिंग आपको चाहिए तो IIM बैंगलोर इज द प्लेस। तो कंसल्टिंग को तो यहाँ से कोई नहीं छीन सकता, कंसल्टिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, दैट इज 28%। इसके अलावा अगर फोर्थ मैं देखूँ तो मैं IT एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट है ना, अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी काफ़ी मतलब जॉब्स भी और इंटर्नशिप भी काफ़ी आ गई, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा हुआ है। इसके अलावा ऑपरेशंस का उतना अच्छा नहीं रहता IIM बैंगलोर में, तो ऑपरेशंस की काफ़ी कम है, और अदर भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका इंटरेस्ट रही है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ समर प्लेसमेंट्स की। ये देखो मैं बात जो कर रहा हूँ PGP जो उनका फ्लेक्सिप प्रोग्राम है, इसके अलावा PGP BA मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स वाला जो प्रोग्राम है इसका भी कैट के थ्रू ही होता है एडमिशन। तो इन दोनों के समर प्लेसमेंट की बात करूँ तो टोटल 525 थे ऑफर्स इतने हुए, ऑफर एक्सपेक्टेड इतने, और जिन्होंने नहीं लिया वो 8 स्टूडेंट थे। इन्होंने नहीं लिया है ऐसा नहीं है कि इनका हुआ नहीं है, ये क्लियर बात रखें। इसके अलावा समर प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर वाइज ये ब्रेकअप है, जैसा मैंने बताया कंसल्टिंग तो हमेशा ज़्यादा रहेगी IIMB में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जनरल मैनेजमेंट में अच्छी खासी, सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छी खासी, एंड फाइनेंस में अच्छी खासी, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अच्छी खासी। जो टॉप रिक्रूटर्स थे, मतलब आपको ये देखो फ़ायदा कैसे करेगा ना, आपको ये सब बताने का मतलब क्या है, मेरा ये सब बताने का मतलब ये है आप IIM में एंटर करते हैं, मान लीजिए आपका IIM बेंगलोर में ही होता है, तो आपको क्या टारगेट रखना है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में किस कंपनी को टारगेट करना है, ये सब आपको देखना होगा।
तो मोस्टली जो कंपनीज जैसे अमेजन का आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ऑफर्स हैं, ऐसे आप देख सकते हो समर प्लेसमेंट में आप किस कंपनी को टारगेट कर सकते हैं, इवन आप IIMB में नहीं किसी अदर मैनेजमेंट कॉलेज में तो भी आप इनको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी तो वही रहती है। मैंने कई लोगों को देखा जो कि टॉप भी स्कूल से नहीं होते फिर भी अच्छी जगह समर प्लेसमेंट मिल जाता है उनको। तो बेसिकली कॉलेज भी मैटर करता है बट कॉलेज उतना नहीं मैटर करता। देन मैं फाइनल प्लेसमेंट की बात करूँ, ये केवल PGP का है, इसमें PGP BA वाले स्टूडेंट शामिल नहीं है। PGP BA का भी प्लेसमेंट होता है वो अलग है लेकिन उसका डाटा, अभी मैं खाली PGP की बात करूंगा। तो ये आपका डाटा है, ये आप देख सकते हो ऑप्टेड आउट 9 है अगेन, और ओवरसीज मतलब कि फॉरेन प्लेसमेंट ना, इंटरनेशनल जो प्लेसमेंट होगी इनका पैकेज भी अच्छा खासा रहता है लेकिन कम लोग प्रीफर करते हैं और IIMs उतनी फर्म्स आती भी नहीं ओवरसीज प्लेटफॉर्म के लिए प्लेसमेंट के लिए। देन आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्टर वाइज की तो अगेन आप देखो देखो कंसल्टिंग तो बहुत ही हाईएस्ट रहने वाला है, दैट इज 36%, और ये बहुत अच्छा है। मेन जो देखो आप जाओगे ना कंसल्ट मतलब जैसे आपका IIMs में अगर मैं टॉप लेयर बात करूँ तो टॉप लेयर आपका ABC होता है, ऐसे ही आप अगर IIMs में एंटर करने के बाद देखें तो टॉप लेयर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली कंसल्टिंग के लिए एम करते हैं। तो कंसल्टिंग आप देखें सबसे ज़्यादा है और IIMB को हब ऑफ कंसल्टिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा फाइनेंस में भी अच्छी खासी है और IT एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी अच्छी खासी जॉब है। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग की काफ़ी कम है उस हिसाब से जिस हिसाब से इंटर्नशिप है और जिस हिसाब से पहले आपका होता आया है। देन मैं बात करता हूँ अगर PPO वाली, तो ये आपकी जिन लोगों ने इंटर्नशिप की होगी उनके लिए, इंटर्नशिप के बाद अगर आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है तो उसके लिए डाटा है, या आप देख सकते हो किस कंपनी ने कितने ऑफर दिए हैं PPO के। इसके अलावा फाइनल प्लेसमेंट का आप देख सकते हो किसने टॉप रिक्रूट किया है, तो असेंचर यहाँ पे टॉप पे दिख रही है मुझे, देन अमेजन एंड देन सुपर। तो देन मैं आपकी पैकेज की बात करूँ जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो मीडियन यहाँ पे 28.6 लाख है और एवरेज आपका 28.98 लाख है, दैट इज नियर अबाउट टू 29 लाख अभी कुछ दिन बाद ही आपका 30 क्लॉस कर जाएगा। इसका मतलब इस बार तो ABC में से कोई भी 30 क्लॉस नहीं कर रहा है बट मुझे लगता है कि 1-2 सालों में अभी कोविड का भी थोड़ा इफेक्ट चलाएगा तो 30 क्लॉस पक्का चला जाएगा एंड दैट इज़ लाइक वेरी गुड। मैंने अभी फीस देखी थी, फीस काफ़ी इंक्रीज हो गई 25+ हो गई, तो मैं सोच रहा था इतनी फीस क्यों देनी, बट अगर आप ये प्लेसमेंट देखें ना तो बिल्कुल जस्टिफाइड है वो जो फीस है ना IIM ABC की, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है अगर आप यहाँ पे ये देखें पैकेज देखें। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपका जो भी डाउट होगा प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको पढ़ भी लेनी चाहिए, मैंने ज़्यादातर डाटा यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक वगैरह चाहिए या तो मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं आप लोग, वरना तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और आपको दो मिलेंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट, एक प्लेसमेंट रिपोर्ट तो ये है ज़्यादातर डाटा जो मैंने शेयर किया है, दूसरे प्लेसमेंट रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा ना ये बहुत ही ज़रूरी डाटा है, दूसरी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें आपको पर स्टूडेंट दैट इज़ किस स्टूडेंट का क्या वर्क क्या प्रोफाइल था, दैट इज़ उसका कॉलेज इंजीनियरिंग से था या नहीं, एंड इंजीनियरिंग से था या कॉमर्स से था, वर्क एक्स था तो वर्क एक्स के फील्ड में था, ये सब उसमें दिया हुआ है, पूरे बैच की प्रोफाइल दी हुई, तो वो आप एक बार चेक कर लें। देन ये भी दिया हुआ है ये प्रोफाइल थी तो ये कहाँ जाके प्लेस हुआ है ना, कहाँ जाके प्लेस हुआ, तो ये सब काफ़ी आपको हेल्प करेगा अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको देखने के लिए कि आप कहाँ प्लेस्ड हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे सेकेंड वाला, ये यहाँ पे सारा डाटा कलेक्ट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था और आप लोगों को शो करना पॉसिबल नहीं था, आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा। और इनकेस आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, फ्री रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, पेड रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, जो आपको पसंद आया वो ले सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में अनअकैडमी सर्च करेंगे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसको आप इंस्टॉल करते हो आप कैट की तैयारी करना चाहते हो तो बेटर यही है कि आप कैट की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करनी, अभी एक ऑफर भी चल रहा है अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप कैट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा और मोर देन 1 कोर्स मिल जाएंगे। आप वर्क मतलब आप मान लीजिए आप वर्किंग है तो आपको लेट नाइट क्लासेस करनी पड़ती हैं, वो भी ऑप्शन है अपने पास। अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। आपको कोई एक टीचर नहीं पसंद आ रहा है दूसरे टीचर से पढ़ना पाते हो वो आपके पास यहाँ ऑप्शन रहता है, ऐसे नहीं अदर कॉलेज में आप अदर कोचिंग्स में आपने इनरोल किया और वो टीचर आपको पसंद नहीं आ रहा फिर भी आपकी मजबूरी बन जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको इवन जैसे अलजेब्रा किसी एक टीचर का अच्छा होता है अलजेब्रा आप उनसे पढ़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी अदर टीचर का अच्छा होता है आप उनसे पढ़ें, इस तरीके से आप यहाँ पे अनअकैडमी से हेल्प ले सकते हैं। जो आपको प्राइसिंग पड़ेगा ये पड़ेगा, अब प्राइसिंग में देखो आपको दो दो फायदे होने वाले हैं, डबल फायदे होने वाले हैं। अगर आप 6 मंथ्स का लोगे 1 मंथ का फ्री मिल जाएगा, दैट इज आपका कैट तक का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप PC क्वांट कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, दैट इज आपका डबल फायदा होता है। आप प्लस भी ले सकते हो, आइकॉनिक भी ले सकते हो, अगर आइकॉनिक लेते हो तो आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आइकॉनिक भी लेना कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो,
इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में कोई आपका डाउट है वो बता सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। थैंक यू।